हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं साबूदाना नमकीन। ये मैं व्रत वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि रामनवमी आने वाली है और आप उसमें इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। ये आपको बिल्कुल फुल रखेगा और इसमें सारी न्यूट्रिशियस चीजें हैं जो आपको व्रत में बहुत हेल्प करेंगी और ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बनता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। इससे पहले, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है जो मेन इंग्रेडिएंट है वो साबूदाना। ये बड़े दाने वाला साबूदाना लीजिए, ये मैंने हाफ कप लिया है। और इसके अलावा ली है मूंगफली, ये भी हाफ कप लिया है। इसके अलावा है थोड़े से मैंने सूखा नारियल के स्लाइसेस कर लिए हैं, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा है मैंने 10 बादाम लिए हैं, थोड़े से मैंने किशमिश ली है, ये थोड़ा सा हाफ से भी कम है, ये 1/4 टीस्पून करीब नमक है, ये सेंधा नमक अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो, और अगर आप नॉर्मल नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो आप नॉर्मल नमक यूज़ करिए। ये 1 टीस्पून मैंने शुगर लिए हैं, पाउडर कर लिया है इसको। ये 1/4 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, और ये करी पत्ता, और हम ऑयल यूज़ करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पैन रख दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है, ये बिल्कुल गर्म हो गया है। बिल्कुल हम हाई हीट पे साबूदाना को बिल्कुल हाई हीट पे हम करेंगे। एक ऐसे मैंने स्ट्रेनर ले लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए चलाते हुए इस तरीके से, ये देखिए ये फ्राई हो गया है। ये सारे जो साबूदाने हैं वो बिल्कुल फूट जाएंगे पॉपकॉर्न की तरह, जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं वैसे हम ऑयल को ऐसे निकाल लेते हैं। और हम एक प्लेट में ये पेपर, टिश्यू पेपर बिछा देंगे और इसमें हम फैला देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर से हम इसी तरीके से कर लेंगे, थोड़े थोड़े डाल के हम करेंगे ताकि ये अच्छे से हो। हीट को बिल्कुल हाई रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। हो चुका है, इसको फिर से निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल ऐसे करके हम निकाल देंगे, फिर से हम इसको निकाल देंगे, फैला देंगे इस पर। अगर हम चाहें तो इसमें हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी रखना है क्योंकि कभी कभी ये पॉपकॉर्न की तरह उड़ने लगते हैं। इसे हम इसमें जो है मूंगफली भी फ्राई कर लेंगे। ये हो चुका है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। मैं स्ट्रेनर में निकालूंगी ताकि इसका भी एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और इसको भी हम एक टिश्यू एब्जॉर्बेंट पेपर पे, हम इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे हम इसको भी निकाल देंगे और फैला देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल। अब मैंने फिर से पैन रख दिया है गैस पे, और इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है बस, और इसमें करी पत्ते डाल दूंगी, और इसी में मैं ये बादाम डाल दूंगी। इसी में इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसी में नारियल डाल दिया जो हमने कसे थे, इसको बस थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसी में किशमिश डाल दिया, थोड़ा सा फ्राई करना है। ध्यान रखना है कि चीज़ें जले नहीं, एक बार गर्म हो जाने के बाद गैस कम कर दीजिए। भून चुका है, अब हम इसमें जो पाउडर शुगर किया था वो डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इसी में हम ये हमने गोल मिर्च पाउडर डाल दिया और हम नमक डाल देंगे, मिक्स कर लिया हमने। इसी में हम ये जो हमने फ्राई करके साबूदाना और मूंगफली रखी है डाल देते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस बंद कर देते हैं, और ये हमारा तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। हमारे व्रत वाली साबूदाना नमकीन बन के तैयार है। व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें काला नमक और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।